जी क्या कहना चाहेंगी अपने इंट्रोडक्शन के साथ में? अभी अलहान खान बिग बॉस के अंदर एंटर हुए हैं, जो आपके एक्स भी आते हैं, तो जी। क्या शेयर करना चाहेंगी आप? पूछिए, मैं आपको बताती हूँ। आप मेरे से क्या पूछना चाहेंगे? क्या बेसिकली आपका मसला है अरहान खान के साथ में? देखिए, ये मसला नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी के 5 साल है जो उसके साथ मैंने बर्बाद कर दिए ना चाहते हुए, क्योंकि वो एक ऐसा इमोशनल ट्रैप करता है लोगों को कि उनको पता नहीं चलता है कब उसके ट्रैप में आप फंस गए। स्टार्टिंग में तो आपके पीछे पड़ जाता है, बिछ गया था वो बिल्कुल, तो मैंने सोचा पता नहीं कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग है वो और कैसा इंसान है, लेकिन वो तो जब आप साथ रहते हो तब पता चलता है कि इंसान कैसा है। तब वो शायद अपने बहुत स्ट्रगलिंग डेज में थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास यहाँ रहने का वो नहीं था, ठिकाना नहीं था, तो उन्होंने मुझे टारगेट किया और मुझे अपने प्यार के उसमें जाल में फंसा लिया। मतलब जैसे लड़कियाँ फंस जाती हैं, इमोशनल फूल्स। 5 साल बहुत काफ़ी नहीं होते समझने के लिए? जी हाँ, एक तरीके से हस्बैंड वाइफ हो जाते हो आप, 5 साल काफ़ी होते हैं समझने के लिए और बहुत सारे साल कम पड़ जाते हैं समझने के लिए। लोग एक्टिंग करते हैं, वो रियल लाइफ में एक्टर हैं बेसिकली। मैं आज तक उनको समझ नहीं पाई हूँ, आप पूछ रहे हो 5 साल। तो ऐसा क्या किया आपके साथ में जो आप मोर्चा खोल दिया? वो मेरे रहते हुए चीट कर रहे थे, जब वो मेरे साथ रह रहे थे तब भी वो चीट कर रहे थे, और फिर वो 5 साल बाद अचानक गायब हो जाते हैं और फिर वो वापस ही नहीं आते हैं। 5 साल मुझे साथ रहने के बाद वो अचानक छोड़ के चले जाते हैं। उनकी गाड़ी भी मेरे पास थी जो वो मुझे छोड़ के गए। उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी, पहली गाड़ी मैंने खरीदी थी, उसके बाद उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी, वो मेरे पास थी जब वो छोड़ के चले गए थे। फिर वो अचानक सिर्फ गाड़ी वापस लेने के लिए मुझसे मिलने आए और मुझे झूठ बोल के झांसा देते रहे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ और अब मैं पैसे कमा के ही वापस आऊँगा, तो बेबी मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ऐसी बातें। आपका पब्लिक स्टंट? देखिए, पब्लिक स्टंट करना होता तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स पहले बिग बॉस में आए हैं, तो शायद मैं पहले से ही ये सब बातें करती। पब्लिक स्टंट की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, बिकॉज मैं सोलो लीड एक्ट्रेस हूँ, मैंने काफ़ी फिल्में कर ली और एक फिल्म मेरी रिलीज पे है, तो मैं फिल्म्स में हूँ, आई एम नॉट इन टू टी वी मच, तो पब्लिसिटी स्टंट का मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ इसके बारे में बताना है लोगों को, दैट्स ऑल। कितने टाइम के बाद में क्यों बताना? क्योंकि इतने टाइम बाद कि आप इतने टाइम तक खामोश रहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतने टाइम तक आपने कोई लीगली क्यों नहीं एक्शन लिया, और अब आके जब वो बिग बॉस में एंटर होते हैं अरहान खान, तो अब आके आप एक्शन ले रही हैं, तो इसको पब्लिक क्या समझे? नहीं, पब्लिक को जो समझना है आप समझने दीजिए। मेरा मकसद इतना है कि बिग बॉस जैसे बड़े शो में ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, ताकि जो आगे आने वाली इसके चुंगल में फंसने वाली लड़कियां हैं, कम से कम उनको तो पता चलेगा कि इसका रियल कैरेक्टर क्या है। अभी तो वो बहुत भोला भाला बन के अंदर बोल रहा है मुझे हिपोक्रेसी और गंदगी से बहुत नफरत है। उसको तो गंदगी से सफाई में भी मैं लेके आई हूँ कि गंदे से साफ कैसे रहते हैं, उसके पैर तक साफ नहीं होते थे, वो भी मैं आपको बता दूँ पर्सनल थिंग्स, इतनी हद तक मैं उसको जानती हूँ कि वो कितना गंदा और कितना साफ है, काले दिल वाला इंसान ये है वो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसे शख्स को बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए और उसको ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए, उसको आगे ही नहीं जाना चाहिए, जितनी जल्दी उसको घर से बाहर निकालेंगे उतना अच्छा है। वो अपने घर में भी नए शिकार ढूंढ रहा होगा कि अब मैं शहनाज पे हिट करूँ या मैं किसी और को फंसाऊँ। हिट मतलब? हिट मतलब प्यार का छलावा, झूठ, मक्कारी, दैट्स व्हाट उसके आई थिंक उसकी फितरत में है ये सब कुछ। तो अगर आपको मौका मिले बिग बॉस में जाने का, तो आपका क्या है? वो भाग जाएगा, मैं बिग बॉस में जाऊंगी तो वो बिग बॉस छोड़ के उसी दिन भाग जाएगा, बोलेगा मुझे बिग बॉस में नहीं रहना है। इतना कॉन्फिडेंस? जी कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, क्योंकि सच को आप सच का सामना नहीं कर पाते हो जब आप गलत होते हो, जब आप गिल्टी होते हो ना, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है सच फेस करना। और मुझे बिग बॉस में जाने का शौक नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये चीज़ पब्लिक के सामने आए, दैट्स ऑल। मुझे नहीं जाना है बिग बॉस में, आई डोंट वांट टू गो टू बिग बॉस। आपने एक चीज़ बोली कि मतलब बहुत सारे धोखे दिए इसने लड़कियों को, yes, right. तो आपके अलावा भी आपकी मौजूदगी में भी और 4-5 लड़कियों से अफेयर चल रहा था जैसा? जी 4-5 लड़कियों के साथ नहीं, लेकिन एक मेजर हस्ती हैं अभी, वो फेमस हैं, वो उस टाइम पे वो भी स्ट्रगल कर रही थी, वो जानी मानी सिंगर हैं, वो हमारे साथ रहती थी पीजी में,
तो वो इन सब चीज़ों की विटनेस है। उनके साथ भी कुछ ऐसा वाक्य हुआ कि मैं शूटिंग पे थी और ये घर पे अकेले थे, इन्होंने अपने आप को उस पर फोर्स किया और बदतमीजी करने की कोशिश की। वो सामने आके वो जिस दिन बोलना चाहेंगी वो खुद बोलेंगी। मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है जो कि मैं अभी आई डोंट वांट टू रिलीज, बट अगर आप बोलेंगे हम लोग उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी मैं। आप इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रही है तो कुछ तो सबूत होगा। जी मैं बड़े बड़े एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलिगेशन नहीं, ये सच है और सच बोलने का यहाँ पे सबको अधिकार है आई थिंक। और ये एलिगेशन इसलिए नहीं है, मेरे पास ऑडियो क्लिप है, मैंने आपको बोला आप सुन सकते हैं, वॉइस टेस्ट होते हैं, लोग सेलिब्रिटीज की आवाज़ को पहचानते हैं, राइट। तो आपका आपने बताया था अभी ऑफ कैमरा की पैसे वैसे का भी कुछ इशू था। उन्होंने आफ्टर ब्रेक ऑफ भी मुझसे पैसे लिए जब उनका बुरा वक्त था, बड़ो बहू सीरियल आने से पहले उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने फिर से उनके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर रख के वो पैसे दे दिए कि शायद उनको ज़रूरत है, फिर से दिए। मैंने सोचा ये वापस करेंगे जब कुछ करेंगे, अभी भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर उनका ये शो आया तो मैंने उनसे बोला कि अब तो आप मेरे पैसे लौटा दीजिए, आप एक बड़ा शो कर रहे हैं, आई थिंक अभी भी वो गरीब होंगे, बिग बॉस में चले गए अभी भी उनके पास मेरे पैसे लौटाने के लिए नहीं होंगे आई थिंक। तो बिग बॉस के से जब वो निकल के आएंगे तो आप कुछ लीगली एक्शन लेंगे? जी नहीं, मैं ऐसे घटिया इंसानों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, उस पर लीगल एक्शन लो। मेरा मकसद है पब्लिक को बताना, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लूँ, मैं आगे चल पड़ी हूँ, बट मैं ये बताना चाहती हूँ आने वाले शिकार जो है ना उसके उनके लिए, ताकि वो सतर्क रहे लड़कियाँ कि ये किस किस्म का इंसान है, इसका कैरेक्टर क्या है बेसिकली। सामने असलियत कब आएगी? किस चीज़ की? जब ये अचानक से 5 साल बाद गायब हो गए तब असलियत ऑटोमेटिकली सामने आ गई। आई थिंक उस टाइम पे मैंने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया था फिनेंशियली, तो इनको लगा कि अब तो मैंने जितना इनसे वो कर सकता था, यूज़ कर सकता था, मैंने कर लिया, तो क्यों नहीं अब नेक्स्ट टारगेट देखा जाए। चलिए ठीक है, कुछ दर्शकों से अपील करना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की इस प्लेटफॉर्म पे आके इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहती ना बोलेगी, क्योंकि लड़कियों को अपने बारे में इतना बोलने के लिए भी बहुत गट्स चाहिए होते हैं। मैं जिस फील्ड में हूँ मैंने बहुत गट्स के साथ ये बात रखी है ताकि आने वाले जो लोग हैं जो उसके चुंगल में ना फंसे, स्पेशली गर्ल्स, गर्ल्स बी वेयर, ये इंसान इतना घटिया है, किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकता। और प्लीज़ इसको वोट्स मत दीजिए, बिग बॉस में इसको आगे बढ़ने से रोक दीजिए, ये फेम डिजर्व नहीं करता, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ही डजंट डिजर्व। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो आप कलर से अपील कर रहे हैं? जी मैं कलर से अपील कर रही हूँ, मैं सलमान जी से बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग आगे जाने चाहिए तो ये आपका डिसीजन है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ ये बहुत ही घटिया, दोगला और चीटर, फ्रॉड किस्म का इंसान है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you.